अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज जो आज की हमारी वीडियो है कि अगर हम होस्टिंगर से अपनी डोमेन और जो होस्टिंग है वो बाय करते हैं, तो उसको उस पे जो वेबसाइट हमने बिल्ड करनी है वो कैसे करेंगे। तो जाते हैं हम अपने जो होस्टिंगर अकाउंट है, ठीक है, उसको जो है ना हम लॉगिन करते हैं होस्टिंगर अकाउंट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। ये हो जा लॉगिन। अच्छा, तो मेरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसके ऊपर सेव है, ठीक है, तो मैं इसको जो है ना यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। इसको ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांगता है, इसको आप पास करेंगे। क्लिक ऑन द हाउस, ठीक है, यहाँ से हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है। जी, तो अब हम हाँ अपने जो हॉस्टिंगर अकाउंट है उसमें पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये देखें, हमने ना दो जो है ना हमारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, दो वेबसाइट हैं, एक डीलर शॉप डॉट डीलर अपेरल्स डॉट शॉप डॉट कॉम है और दूसरी है ग्लीडिएटर मार्ट डॉट कॉम। तो इस वक्त हमारे पास जो प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग है उसका भी प्लान है बड़ा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं इसके अंदर जो है ना, हम अपनी ये जो डीलर पेरेंट्स डॉट शॉप है इसके ऊपर जाते हैं, और इसमें हम जो है ना इसके वेबसाइट में क्या है, इसको इसकी वेबसाइट बनाते हैं। तो अब मतलब ये सीन है कि अगर हम इसको वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हमने एक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, अब वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं, कोई और वेबसाइट बिल्डर है उसके ऊपर बनाना चाहते हैं, तो हम जो इसको बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने इसको अगर वर्डप्रेस पे बनाना है, ठीक है जी, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑटो इंस्टॉलर का, ठीक है, आप इसके जरिए ऑटो इंस्टॉल भी कर सकते हैं वेबसाइट, ठीक है, या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास वो कह रहा है कि आपने क्या है, वूकॉमर्स पे करनी है, जूमला करनी है, अदर कोई और है, तो हमने क्या करना है वर्डप्रेस के ऊपर इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस क्या है, इजी टाइटल है, तो अब आपसे पूछेगा आपकी जो है इसका टाइटल क्या है, वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जी, तो हम इसको क्या है एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड देते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये हमारा ये सारी चीज़ें ऑटो रिकमेंड कर लेनी है, उसके बाद ये वर्डप्रेस को जो है ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हम फिर वर्डप्रेस के एडमिन पासवर्ड में जाके वहां पे अब हम अपनी वेबसाइट को फिर मजीद जो है वो कस्टमाइज कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम जाते हैं एडिट वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट एंड अपडेट योर वेबसाइट विद वर्डप्रेस एडमिन, तो डायरेक्ट आपको जो है ना ये वर्डप्रेस एडमिन पेज पे ले जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम के बाद ये आपको क्या लेके आया, वर्डप्रेस एडमिन पेज में। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट जो है इसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल हो गई है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि आपने एक थीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपने उसको थीम कौन सी देनी है, हम इसको थीम जो इंस्टॉल करेंगे वो होगी एस्ट्रा, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लोज, यहाँ पे आप डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे तो आप वर्डप्रेस एडमिन पे आ जाएंगे। आपने बाकी सारी चीजों को जो है ना वो छोड़ देना है। अब यहाँ पे आना है अपेरेंस में, ठीक है। अपेरेंस में आपने थीम करना है, ठीक है, थीम सेलेक्ट करनी है। थीम आपने जो है ना पहले कोई बाय डिफॉल्ट वैसे ही 2022 लगी होगी। आपने इसको क्या करना है, एड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, एड न्यू थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च थीम में करना है एस्ट्रा, तो आपकी ये एस्ट्रा थीम जो है एस्ट्रा, आपने ये एस्ट्रा करनी है, एस्ट्रेट एस्ट्रॉल और कुछ भी नहीं करनी, एस्ट्रियो भी नहीं करनी, आपने एस्ट्रा थीम करनी है। थीम इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने एक्टिवेट करना है। ये बाद में भी आप अपनी मर्जी के भी लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उसके बाद आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है कि आपकी जो एस्ट्रा थीम है उसमें स्टार्टर टेम्पलेट्स होते हैं, जो बनी बनाई टेम्पलेट थीम होती है ना, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी उसमें। जैसे एक्टिवेट के ये क्या लेके आएगी आपको, एस्ट्रा जो स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं उसके ऊपर लेके आ जाएगी, यानी कि एस्ट्रा के अंदर जो बनी बनी थीम्स हैं, ठीक है। आप डीबी थीम भी है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो ये वाली है, ठीक है। अच्छा, ये आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री कर लें, जो एडिटर है वो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ से आपको जो शॉप जो है, जो भी जो है ना वो अच्छी लगती है यहाँ से, तो फर्ज के ये ब्रांड स्टोर है, ये मुझे लगता है कि यहाँ से इसका आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये किस तरह की होगी वेबसाइट। जिस तरह की ये वेबसाइट होगी वैसे ही आपकी वेबसाइट, ये पूरी की पूरी थीम वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो लाइव प्रीव्यू ये डिपेंड करता है इंटरनेट पे, अगर इंटरनेट अच्छा होगा तो लाइव प्रीव्यू जल्दी आ जाएगा, अगर इंटरनेट स्लो होगा तो फिर टाइम लेगा। जैसे अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। मैं इसको अभी फिलहाल वक्त के लिए क्या करता हूँ, स्किप एंड कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसके कलर वगैरह कोई चीज एडिट कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, तो नहीं अभी करें, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अच्छा, कहता है इम्पोर्ट कस्टमाइज सेटिंग वो भी करनी है, विजिट्स वो भी आपने करना है, रिक्वायर्ड प्लगइन जो कि इसको यूज करने के लिए वो भी आपने करने हैं, ठीक है। कंटेंट भी आपने सारा इम्पोर्ट करना है और नॉन सेंसिटिव डेटा। उसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माई पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 100% पे जब हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट जो होगी वो रेडी हो जाएगी। तो ये टाइम लेगा, डिपेंड ऑन इंटरनेट, ठीक है, एंड तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी जो है वेबसाइट पूरी की पूरी जो होगी वो आपकी ये थीम जो होगी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप जाएं उसको कस्टमाइज करें, एडिट करें, उसमें प्रोडक्ट ऐड करें, उसमें जो चीज आपको उस वेबसाइट में अच्छी लगती है वो रहने दें, और जो नहीं लगती वो आप उसको छोड़ दें। तो इसको हम टाइम देते हैं। हाँ जी, तो हमारी वेबसाइट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो वो कह रहा है कि व्यू योर वेबसाइट। अब हमारी डीलर शॉप, डीलर अपेरल्स डॉट शॉप जो है ये वेबसाइट क्या है, रेडी हो गई है। इसको मैं यहाँ से लेके इधर ओपन करता हूँ।
मैं कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इधर किसी और ब्राउजर पे ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये है जो रीजनल थीम वहां पे, जैसे वेबसाइट हमारी वहां पे शो हो रही थी, तो इधर भी जो है वही है। ठीक है, लेट मी चेक इसमें लगी हुई है। बाकी आप इसमें कुछ भी चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे फर्ज के यहाँ पे शॉप नो पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे होम पेज पे वापस लेके आता है। लेकिन अगर आप चाहें आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, शॉप नो पे आप क्लिक करें तो ये आपको क्या लेके जाए, स्टोर पे ले जाए आपकी जहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, जैसे मैन वुमेन एसेसरीज हैं, आप चाहें फर्ज के आप यहाँ पे रनिंग ऑफर हॉट समर, तो आपको ये डायरेक्ट जो है ना किसी भी कैटेगरी में लेके जा सकता है। उसकी जो है वो मजीद सेटिंग एलिमेंटर में जाके हम करेंगे इसकी सेटिंग्स। ठीक है, तो इस वक्त हमें यहाँ पे देखे पता भी नहीं चल रहा इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स होंगे, ये सारे के सारे हमने प्रोडक्ट कितने हैं, क्या चीजें हैं, सारी चीजें जो हमने चेक करनी है, देखनी है, वो हमने कहाँ पे करनी है, एलिमेंटर में जाके। ठीक है, अब ये देखे ना फर्ज का यहाँ पे आपके पास जो है ये इटालियन में लिखा हुआ है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, तो इसमें आप अपनी मर्जी के साथ जो है ना सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे जाके वर्डप्रेस के अंदर। मैं अगेन जाता हूँ वर्डप्रेस एडमिन में। ठीक है, तो एडमिन में जाके सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं कि भाई इसमें प्रोडक्ट जो है वो कितनी लगी हुई है। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट पे जाना है आपने। तो इस वक्त आप देख सकते हैं इसमें 31 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल हुई हुई हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना उसमें आप चाहें तो इनको ऐड भी कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप इस प्रोडक्ट को। मैं फर्ज के एडिट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे ना सही नहीं लगती। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, सैम्पल प्रीव्यू ऐसे है, प्रोडक्ट टाइटल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रोडक्ट की जो इमेज है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उस एक प्रोडक्ट के अंदर जो है गैलरी के अंदर कितनी इमेजेस होंगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में शो होगा, ये इस वक्त मेन की कैटेगरी में शो हो रहा है। ठीक है, फर्ज का टैग वगैरह आपने लगाने हैं जो कि सर्च इंजन एसईओ में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जनरल में इसकी प्राइस सेट करनी है, जैसे यहाँ पे उसने 150 रखा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको 155 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको सेल पे करना चाहते हैं, ठीक है, सेल अगर अभी करना चाहते हैं तो अभी कर देगा, शेड्यूल पे करना चाहते हैं सेल तो फिर आप इसको शेड्यूल कर देते हैं, किस टाइम बाद जो है ना सेल ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी और एंड हो जाएगी। तो ये सारी जो है ना ये प्लगइन होता है वूकॉमर्स, ठीक है, जो उसके अंदर हो रहा होता है सारा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको शिपिंग करना है, शिपिंग क्या चीज़ होनी चाहिए, इसकी वेट शिपिंग, ठीक है, लेंथ वेट ये सारा कुछ कितना होगा आपको इसका, ये आप चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या है इसके प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये भी लिख सकते हैं। जब जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमने बेसिक जो है वो 3 से 4 चीजें करनी होती हैं। एक तो हम प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है, जैसे ये डार्क ब्राउन जीन्स है, ठीक है, एक तो हमने ये करना होता है, और दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट की इमेज। ठीक है, वो आपने प्रोडक्ट इमेज में जाके इसकी प्रोडक्ट इमेज अपलोड करनी है, और दूसरी चीज जो होती है, तीसरी चीज वो आपने इसकी प्राइस कितनी रखनी है, जनरल में जाके आपने इसकी प्राइस कितनी रखनी है, और इसको आपने कौन सी कैटेगरी में रखना है, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये हो जाएंगे। ये एक बेसिक सी चीजें हैं, ये 4 चीजें ये आप इसके अंदर कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को जो जो कि पहले अपलोड है उसको भी एडिट करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपडेट। अगर आपने एक कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करना है, ठीक है, तो आप ऐड न्यू पे जाएंगे। ठीक है, जब आप ऐड न्यू पे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, प्रोडक्ट नेम क्या है, मैं फर्ज के लिख देता हूँ कि कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट। ठीक
है, और मैं इसमें क्या करता हूँ, प्रोडक्ट इमेज जो है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट गैलरी के अंदर इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी से भी आप उठा सकते हैं उस प्रोडक्ट की इमेज को जो कि ऑलरेडी अपलोडेड होगी, तो आप क्या कर सकते हैं इसको जो है देख भी सकते हैं। कोई बात नहीं, हम इंटरनेट से कोई जो है टी शर्ट की डिजाइन उठा लेते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करें, सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसको, ये वेब फाइल है नहीं है, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो तो वो आप इसको क्या करें, चलो कोई नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ पहले इसका फॉर्मेट चेंज करता हूँ, क्योंकि आप पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट जो होती है उसको एडिट कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर आपके पास ये क्या हो गया, एडिट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज को आपने इसी को ही कर लेना जो आपने पहले अपलोड की होगी, गैलरी में भी आ जाएगी आपके ये प्रोडक्ट इमेज हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने क्या देनी है, इसकी प्राइस मैं रख देता हूँ जी $25 है, ठीक है। और इसको मैं कैटेगरी कौन सी रखता हूँ इसकी, मैं मैन वुमेन। अच्छा, इसमें आप चाहें तो इस टी शर्ट की एक और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी मैं रख देता हूँ शर्ट, ठीक है। अब पेरेंट कैटेगरी क्या है, पेरेंट कैटेगरी के वो कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के अंदर शो होनी चाहिए, या ये एक सेपरेट कैटेगरी है, तो मेन के अंदर मैं लिख देता हूँ कि मेन के अंदर जो है ये टी शर्ट आ रही है, ठीक है। अगर फालतू का बंदा आएगा वो देखेगा कि मेन मेन के अंदर फिर टी शर्ट आ रही है, कि और मर्दों के लिए जो है ना वो टी शर्ट, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक सेपरेट कैटेगरी का नाम भी दे सकते हैं, तो मैंने इसको क्या किया है इस वक्त जो है ना इसमें दे दिया है, ठीक है। तो टी शर्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप अगर फर्ज किया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें आप इसको बता सकते हैं क्या है ये, मैं इसको कहता हूँ 100% कॉटन फैब्रिक है, क्यों गया। तो ये चीजें करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। इसको आप पब्लिश करेंगे तो आप इसको जो है वो प्रीव्यू कर सकते हैं कि इस वक्त आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का दिखेगा, ठीक है। प्रीव्यू चेंजेस में आप जाएंगे देखेंगे कि आपका इस वक्त प्रोडक्ट जो है वो कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट है, ठीक है। हूं के बाद मैन, मैन के बाद ये टी शर्ट वाली कैटेगरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट के नाम से है 100%, ये देखें ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और इसमें फ्री शिपिंग किया हुआ है। ऐड टू कार्ट करें अगर तो आपका ऐड टू कार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो काम है, इसका जो प्लगइन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है थीम के साथ ही। तो इसको मैं यहाँ से अभी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ तक तो हमारा हो गया काम, ठीक है। अब हमारे पास है एक सिंपल सी चीज आती है कि आपने जो है ना इसको थोड़ी बहुत जो है इसकी कस्टमाइजेशन करने, आपने अपना लोगो फर्ज क्या लगाना है, ठीक है। ये आपकी जो है ना वेबसाइट है जो कि एक किस्म की रेडी हो गई है,
अब अगर फर्ज का जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने फर्ज का जैसे शॉप नो पे क्लिक करना है, तो ये आपको आना चाहिए कि ऑल प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह या शॉपिंग के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ तो आ नहीं रही, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने फर्ज का जिस पेज को ओपन करना है ना, ये है हमारा पास, जब आप लोगो पे क्लिक करते हैं तो आप हमेशा होम पेज पे आ जाते होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर फर्ज के इस होम पेज को ही जो मुझे नजर आ रहा है इसको मैं एडिट करता हूँ, आप इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। तो जब आप इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, ठीक है। तो ये है जी, इसको आप बोलते होते, हम बोलते हैं बटन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है बटन, बेसिकली ऐसी चीज होती है जो जिसको लगाने से ना, अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक लिंक लगा सकते हैं, जब भी कभी अगर उस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो किसी और लिंक पे जा सकता है, किसी भी पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिंक में मैं क्या चाहता हूँ जी, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जो है कहाँ पे लेके आए, वीमेन वाली कैटेगरी में, ठीक है, वीमेन वाली कैटेगरी में ये सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर ले गया है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी प्रोडक्ट की जो लिंक है, ठीक है, वो यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा, अब वो आपसे ये पूछता है कि लिंक किस तरह से ओपन हो, ठीक है। लिंक जो है वो आपकी एक नए उसमें विंडो में ओपन हो या उसी विंडो में, तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब इसको आप चेक कराते हैं कि जी है ना ये किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, मैं जब शॉप नाउ पे क्लिक करूंगा तो अब वो मुझे क्या के लेके आ रहा है, उसी जो है ना स्पेसिफिक उस पे लेके आ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। अब एसेसरीज है, ठीक है ना, ये एक कैटेगरी है, ठीक है ना, प्रोडक्ट कैटेगरीज है, तो ये आप अपनी मर्जी से जो है वो क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ना शॉप नाउ पे आप जिस लिंक पे जिस कैटेगरी पर उसको रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं वहां पे आप कर सकते हैं। फीचर प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं, आप कौन से लगाना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे शॉप ना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी उसने कोई लिंक नहीं दिया हुआ, आप चाहें तो अपनी किसी भी उस पे लेके उसको जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो है कस्टमाइज, आप जो थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं ना, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसमें आप चाहें तो अपनी साइट का जो लोगो है फर्ज के होम पेज पे जो है ना, ये चीजें कैसे चेंज कर सकते हैं। हेडर बिल्डर में आप जाएं, ठीक है, अब आपकी साइट का जो टाइटल और लोगो है वो क्या है, DNK, आप चाहें तो इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्प्ले टाइटल भी साथ शो होगा, DNK के साथ जो है डीलर अप्रैल अपेरल ये भी साथ होगा, आप चाहें तो इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो है ना DN नीचे के बजाय आगे आए, ठीक है, इनलाइन आप इसको कर दें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। आप टैग लाइन जो होती है आपकी, जैसे यहाँ पे जस्ट एन अदर वेबसाइट वर्डप्रेस साइट है, आप चाहें तो इसको भी लेके आ सकते हैं, चेक देखना चाहते हैं कि यार ये मोबाइल पे कैसे दिखेगी, ठीक है, तो ये आपका है जो है वो मोबाइल व्यू है, ठीक है। ये वेबसाइट जो टेम्पलेट्स हैं दोनों मोबाइल और डेस्कटॉप यूजर दोनों के लिए हैं, जो ओके हैं, रिस्पॉन्सिव भी हैं, और यहाँ पे आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेटिंग जो है वो सारी सेव हो जाएंगी।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फाइंड मोर पे जैसे है, तो ये अभी किसी भी जगह पे नहीं जा रहा, आप चाहें तो इसको जो है ना वो किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं सारी चीजों में, ठीक है। तो ये सारी की सारी जिस पेज को भी आपने चेंज करना हो ना, तो आपने उसको क्या करना है, एलिमेंटर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वो आपका पेज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, आगे इसको जो है ना कोई भी इश्यू हो, कहीं पे मसला हो तो मुझे बता दीजिए।